आने वाले वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव अंतर्गत वडोदरा शहर कांग्रेस द्वारा चुनाव रूपी तैयारी करने के भागरूप संकलन बैठक का आयोजन किया गया। वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आने वाले महीने में चुनाव होने की अटकलें बनी है। ऐसे में एक बार फिर वडोदरा के ये स्थानिक स्वराज के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वार्ड में अपनी जीत को हासिल करने के लिए राजकीय पक्ष हरकत में आया है। वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वर्तमान शासक पक्ष के विकास कार्य की मांग के बीच आज भी शहरी विविध विस्तारों में ढेरों असुविधाएं और समस्याएं फैली है, तो वहीं ये तमाम मुद्दों को राजकीय चुनाव में चुनावी हथियार बनाने के लिए राजकीय पक्षों में अब रणनीति तय हो रही है, जिसके भागरूप वडोदरा शहर कांग्रेस ने भी चुनाव को लेकर पूर्व तैयारियों में जुट गया है। कॉर्पोरेशन के आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए वडोदरा शहर कांग्रेस द्वारा कल शाम संकलन बैठक का आयोजन किया गया था। जो बैठक में कांग्रेस के प्रमुख प्रशांत पटेल, विपक्ष नेता चंद्रकांत भत्थू, प्रदेश महामंत्री नरेंद्र रावत सहित कांग्रेस के काउंसलर, बोर्ड के तमाम लोग हाजिर रहते हुए चर्चा विचारणा की गई थी, जिसमें चुनावी मैदान में उतरने के लिए इच्छुक वैसे उम्मीदवारों के साथ चर्चा की जाएगी। तो वहीं आने वाले 3 दिनों के दौरान कॉर्पोरेशन के तमाम भ्रष्टाचार को लोगों के समक्ष उजागर करने के भी आयोजन किए गए हैं। जहां कल शाम आयोजित की गई वैसी वडोदरा शहर कांग्रेस की आने वाली चुनाव रक्षी संकलन बैठक में विविध अहम मुद्दों पर चर्चा विचारणा की गई थी। आज वडोदरा शहर की प्रथम संकलन समिति की मीटिंग है। आगामी 3 दिवस की अंदर तमाम वोर्ड में जाइने जे इच्छुक उम्मीदवारों होय तेनी साथे पण चर्चा करवामां आवशे। वडोदरा शहर की अंदर जे व्यापक प्रमाण में भ्रष्टाचार फैलाणो छे ए भ्रष्टाचार ने पण प्रजा समक्ष उजागर करवामां आवशे। बीजा अन्य क्या क्या मुद्दा पर चूंटनी लड़ी शकाय तेनी चर्चा आज की मीटिंग में करवामां आवशे। अने युवानो होय के सीनियर होय तमामे साथे मळीने आगामी दिवसों की अंदर वडोदरा शहर की अंदर खूब ताकत थी चूंटनी लड़शे। धन्यवाद।